गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम यू इन क्लास इलेवन दिस इज फर्स्ट पार्ट इस पार्ट में हम स्टडी करना जा रहे हैं कमर्शियल बैंक के बारे में ओके कमर्शियल बैंक जो व्यवसायिक बैंक के नाम से जानी जाती है कमर्शियल कमर्शियल बैंक जो है ये हमें लोंग लोन प्रोवाइड करती है शॉर्ट या मीडियम टर्म पे फाइनेंस करती है ठीक है यदि कोई भी फॉर्म चाहे वो छोटी हो बड़ी यदि लोन लेना चाहती है तो वो इस फॉर्म से ले सकती है और इस फॉर्म में सभी तरह की सो uh, so, इस कमर्शियल uh, बैंक में सभी तरह की जो फर्म है वो इसको अप्रोच करती है ताकि ये उसको लोन प्रोवाइड करे हालांकि स्टार्टिंग में ये मीडियम और शॉर्ट टर्म के लोन फाइनेंस किया करते थे लेकिन अब धीरे धीरे सिक्योरिटी बेस पे लॉन्ग टर्म भी फाइनेंस करने लगी है अब देखिए बैंक बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है कमर्शियल बैंक अक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एज द प्रोवाइड फंड फॉर डिफरेंट पर्पज ऑफ डिफरेंट पीरियड देखिए इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन मानी जा रही fund, fund है कमर्शियल बैंक की प्रोवाइड फंड ये फंड प्रोवाइड करते हैं ये डिफरेंट पर्पज के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए डिफरेंट पीरियड के लिए अलग अलग पीरियड ठीक है छोटा बड़ा जो समय है वो हो सकता है पे मान कह सकते हैं हम तीन साल पाँच साल दस साल सो फॉर्म ऑल साइज कैन अप्रोच कमर्शियल बैंक यहाँ पे सभी तरह की फॉर्म इस बैंक से लोन ले सकती है जनरली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड ए शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन ठीक है जनरली इस बैंक का जो पर्पज होता है ये शॉर्ट या मीडियम टर्म का लोन ही प्रोवाइड करती थी बट नाउडेज दे हैव स्टार्टेड गिविंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेकिन आज अगेंस्ट सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड कर रही है जब भी इनको फर्म को फंड की रिक्वायरमेंट होती है ये उसको प्रोवाइड कर देती है फंड आर की सोर्स ऑफ फंड देखिए यहाँ पे जो है नो फॉर्मिटीज ऑफ इशू सॉरी द बैंक कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली रखती है एंड बिजनेस कैन मेंटेन इट्स सेक्रेसी थर्ड नो फॉर्मिटीज ऑफ इशू पर प्रोस्पेक्टस इसको कोई फॉर्मिटीज इशू करने की जरूरत नहीं required, so है प्रोस्पेक्टस के तौर पर आर रिक्वायर्ड सो इट इज वेरी इजी एंड इकोनॉमिक सोर्स ऑफ फंड और इजी और काफी इकोनॉमिक सोर्स ऑफ फंड कहलाता है नाउ फोर्थ इट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स एज ए लोन अमाउंट कैन बी क्रीज एज वेल एज डिक्रीज देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कमर्शियल बैंक देखिए पे कुछ भी होती है यहाँ पे देखिए हर एक कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं होती है जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड जनरली जो फंड है ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही अवेलेबल होता है यहाँ पे सेकंड आता है यहाँ पे बैंक डिटेल इन्वेस्टिगेशन द कंपनीज अफेयर देखिए बैंक यहाँ पे उस कंपनी का जो अफेयर है उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही लोन प्रोवाइड करती है एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिफोर इशू लोन कोई भी फॉर्म देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी फॉर्म है यदि लोन कर रहा है सुबह फाइनेंशियल स्टेटसल्टीज टर्म कंडीशन ठीक है कभी कभी जो है यहाँ पे इन सम केस बैंक में पुट रेस्ट्रिक्शन डिफरेंट डिफिकल्टीज टर्म फॉर कंडीशन कभी कभी ऐसे डिफरेंट टर्म्स या कंडीशन रख देती है लोन जो उठाते हैं जिस तरह की फॉर्म ये पे डिमेरिट्स होती है डिमेरिट्स नहीं कह सकते लिमिटेशन तो होती होती अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डिपोजिट एंड लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यदि आप किसी पब्लिक से पैसा ले रहे हैं लोन ले रहे हैं किसी से दोनों में क्या है कंपेरिजन यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे देखिए बैसेस पब्लिक यदि आप डिपॉजिट करवा रहे लोन ऑफ ऑफर कमर्शियल बैंक तो देखिए यहाँ पब्लिक डिपॉजिट करवाई नो सिक्योरिटी रिक्वा कोई सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं लेकिन जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं वहां पे कोलेट्रोल की जरूरत होती है बैंक लोन जनरली रिक्वायर्ड सिक्योरिटी बेस पे ही पैसा देती है पेपर जो आप रखते हैं वहां पे सेकंड आता है गवर्न बाय देखिए डि, डि, पब्लिक डिपोजिट आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के तौर पर ये गवर्न किया जाता है बैंक आर गवर्न रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द आरबीआई आरबीआई के जो गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग वो लोन देती है रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक इज टू लो बहुत लो होती है जबकि यहाँ पे हालांकि भी कम है लेकिन इससे इससे यदि पब्लिक से देखें तो दे इसका हायर होता है कंपेरेटिवली हायर रोल ऑफ इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज बैंकली हाई हायर देन पब्लिक डिपोजिट अब नेक्स्ट आता है पीरियड देखिए पीरियड डिपोजिट आर अवेलेबल फॉर ऑफ अप टू थ्री ईयर के लिए होता है बैंक डिपोजिट आर अवेलेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ठीक है शॉर्ट एंड मीडियम टर्म के लिए एग्जैक्ट समय नहीं दिया शॉर्ट एंड मीडियम टर्म दिया है यहाँ पे ठीक है सुटेबिलिटी सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज विद अ गुड रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर ऑल इंटरप्राइजेस और ये सुटेबल होता है सभी इंटरप्राइजेस के लिए अब नेक्स्ट आता है सेक्रेसी देर इज अ नो सिक्रेसी कोई यहाँ सिक्रेसी नहीं होता बट देर सिक्रेसी अबाउट बैंक लोन कैन बी मेंटेन ओके नाउ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वन थैंक यू